Hello friends, welcome to the channel. Today we will do one poetry written by very famous poet K. Ayappa Panikkar. The name of the poetry, I Met Walt Whitman Yesterday. Although these two poets were not contemporary, this is an imaginary meeting, an imaginary interview written by K. Ayappa Panikkar about meeting with Walt Whitman, the very famous American poet. पानिकर जी के बारे में जानते हैं। पहले बहुत ही फेमस मलयालम पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक और एक एकेडमिक और स्कॉलर रहे हैं मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न इन दोनों पीरियड्स में, और इन दोनों थियोरीज पर भी बहुत काम किया है इन्होंने। ही हैज वर्कड ऑन एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। दिस इज व्हाट हिज लाइफ स्पैन वाज, 1930 to 2006। आप देखिए 1930 to 2006, that was the lifespan of K. Ayappa Panikkar। और lifespan of Walt Whitman, आप देखिए यहाँ पर lifespan of Walt Whitman is 1819 to 1892। तो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले होंगे। बट K. Ayappa Panikkar was very inspired by the thoughts of this writer Walt Whitman। Walt Whitman अपने आप में थे ही इतने great poet, essayist, journalist and a great human being, and he was a part of transition between transcendentalism and realism। दोनों ही views पर उन्होंने काम किया है। One of the most influential personality of America in the field of literature, an American canon, we can call him the father of free verse too। So if anybody asks you any question, who is the father of free verse, you can take the name वॉल्ट विटमैन। से बहुत ही इंस्पायर थे हमारे ये पोएट के अयप्पा पानिकर, जो अपने आप में एक बहुत फेमस इंडियन मलयालम राइटिंग के पोएट थे। दिस पोएट्री इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू, वन ऑफ द वेरी इनिशियल फाइनेस्ट क्रिएशन बाय पानिकर दैट सेट्स द रीडर इनटू पोएट्स पोएटिक एफर्मेशन एंड हिज पोएटिक विजन। विजन ही कहेंगे हम इस पोएट्री को, क्योंकि दोनों का लाइफ स्पैन तो सेम था नहीं, ये मैं आपसे बता चुकी हूँ पहले। द पोम ओरिजिनली वॉज रिटन इन मलयालम एंड वॉज ट्रांसलेटेड बाय द ग्रेट राइटर एंड ट्रांसलेटर एजे थॉमस। ये पोम प्रोग्रेस करती है थ्रू द इमेजिनेशन ऑफ पानिकर एंड रिटरेट्स द पोएट सेंस ऑफ पास्ट ब्लेंडेड विद प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट यानी कि खुद को और वॉल्ट विटमैन को किस तरीके से ब्लेंड करते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। रीडर्स कैन फाइंड दैट द पोम इज चार्ज्ड विद द मेमोरी। मेमोरी हमें नजर आती है और बहुत सारे फेवरेट लोकेशंस, फेवरेट वर्ड्स नजर आते हैं वॉल्ट विटमैन के। दो द पोम प्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड कॉन्वर्सेशन, यू नो दैट फिक्शनल वर्जन ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वॉल्ट विटमैन। लेकिन विटमैन ने जिस तरीके से कमेंट्री की है ना अपॉन मेडिवल, अपॉन मॉडर्न इंडियंस इंटेलेक्चुअल परस्यूट, इट रियली ड्रॉज अ डिस्टिंक्टिव डिफरेंस बिटवीन द टू। एक तो इस पोएट्री में हम देखेंगे कि किस प्यार से, किस वॉर्म्थ के साथ पानिकर और विटमैन एक दूसरे से मिलते हैं, और किस तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट किया जाता है बिटवीन द वेस्टर्न कल्चर एंड द ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन। अब देखते हैं अयप्पा जी किस तरीके से एक्वेंट हुए विद द अमेरिकन कल्चर एंड विद द पोएट वॉल्ट विटमैन टू। He did a doctoral dissertation on the poetry of Robert Lowell, which was supervised by Professor Robert E. Gross during 1981-82. He did a postdoctoral research at Yale University, one of the very famous universities specifically for literature, and at Harvard University. This was the period that Dr. K. Ayappa Panikkar made the best use by getting acquainted with the internationally famous poets and also visited many universities in USA and got really inspired by this writer Walt Whitman too. He has visited countries in the West, many countries in the West and other parts of the world, mostly in connection with his literary pursuits, and these visits basically are the one which enabled him to gain tremendous experience in the understanding of the life and cultural difference between East and West, and he was able to know the people outside his own country.
लेट अस नो द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस पोएट्री। आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जाने की कभी भी जरूरत नहीं होती, ना ही होनी चाहिए, लेकिन आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए पूरी पोएट्री का, जिससे कि आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए, लिख पाए एग्जाम्स में। लेट अस सी, येस्टरडे और वॉज इट द डे बिफोर आई मेट विटमिन। हमारे अयप्पा जी लिखते हैं कि ठीक से पता नहीं उन्हें कब मिले थे, लेकिन मिले जरूर थे, बात जरूर हुई थी। द विटमैन हु टॉक्स लाउडली इन सॉलिट्यूड अबाउट द मल्टीट्यूड। विटमैन नाम की पर्सनालिटी से मिले जो कि अकेले में बात कर रहे थे अबाउट मेनी पीपल, अबाउट मेनी सब्जेक्ट्स, थ्रोइंग हिज लॉन्ग शेड अक्रॉस द आइलैंड। उनकी जो बॉडी की शेडो थी वो पूरे आइलैंड पर पड़ रही थी। द पोएट पेट्रियार्क वॉज काउंटिंग वेव्स, आती जाती लहरों को, समुद्र की लहरों को वो गिन रहे थे। ईच वेव अ सिम्बलेंस, हर वेव ऐसी लग रही थी कि एक नई जेनरेशन को देख रहे हैं, यानी कि अगर वॉल्ट विटमैन की आत्मा आज यहाँ पर होती तो जाने कितनी जेनरेशंस को देख चुकी होती। ऑन ईच अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अमेरिकन नेशन, अमेरिकन नेशन में कैसे जेनरेशन टू जेनरेशन चेंजेस आते होते आए हैं, उनको विटनेस करते हमारे वॉल्ट विटमैन। विटमिन की बॉडीली डिस्क्रिप्शन दी गई है, अभी बिल्कुल प्योर, जैसे गॉड हमें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। द नेकेड विटमिन, द हेरी बॉडी, द ग्रे वेयर, द स्पार्कलिंग आईज। तो ये विटमिन जी की फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई है, जिस तरीके के विटमिन नजर आ रहे थे के अयप्पा जी को अपने विजन में। उनकी पूरी बॉडी पर मदर सी लगा हुआ था, रॉकिंग मदर सी, रॉक सॉल्ट। All other limbs enveloped by the rocking mother sea, wailing seagull जो कि सी का एक क्रीचर है, lilacs, blossoming forth frenzied drum beats। अमेरिका का एक कल्चर दिखाया गया, अमेरिका जो कि सीज के लिए फेमस है, सीगल्स के लिए फेमस है, अपने एंशियंट टाइम में अपने ड्रम बीट्स के लिए फेमस है, वो सब कुछ दिखाया गया है कि वो विटमिन के अंदर, विटमिन की बॉडी के अंदर, विटमिन की सोल के अंदर एक पूरी हिस्ट्री नजर आ रही थी अमेरिका की। Hey Whitman, I call out, my friend. The voice had drawn near. Look, he said, Columbus' geographical error, history is gained. कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी तो उन्हें लगा था कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। That is why America is always called Columbus' geographical error. तो विटमैन और पानीकर जी बड़ी गर्म जोशी के साथ, बड़ी वार्म्थ के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और अमेरिका के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका ऑल दो तो कोलंबस का ज्योग्राफिकल एरर है, लेकिन अमेरिका अपने आप में एक सुपर पावर है, एंड दैट इज व्हाई कोलंबस की ये डिस्कवरी हिस्ट्री के लिए तो एक गेन है, हिस्ट्री के लिए एक मुनाफे वाली बात है। दोनों ने बहुत ही विग्रस, बड़ी गर्म जोशी के साथ हैंडशेक किया, एक दूसरे की स्टर्डीनेस, स्ट्रेंथ को फील किया, रफ फिंगर्स एक दूसरे से टच हुई। अब विटमैन जी ने क्या कहा, पैनिकर आई न्यू यू वुड कम अगेन, आई फेन सरप्राइज, द रीबर्थ ऑफ द ह्यूमन सोल इज नथिंग न्यू टू मी। पैनिकर जी ने जैसे ही विटमैन को देखा, विटमैन जी ने उन्हें पहचान लिया, जबकि दोनों कॉन्टेम्प्रेरी नहीं थे, दिस वी हैव डिस्कस्ड। और इस विजन में जब ऐसा सुना विटमैन जी के मुंह से पैनिकर ने, तो उनको सरप्राइज फील हुआ कि क्या ये किसी तरीके का कोई रीबर्थ है। देन ही सेज, रीबर्थ नथिंग न्यू टू मी, रीबर्थ जैसी चीजें तो इंडिया में बहुत फेमस है, रीबर्थ रीइंकार्नेशन। Stretching long hands, feet of thought entangled on his hairy person, hominiquation. अपने हाथ फैला दिए विटमैन जी ने और बहुत सारी थॉट से वो घिरे हुए थे। उनकी बॉडी के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं, हेरी बॉडी बताया, और शायद बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी क्वेरीज थी विटमैन जी के मन में, और बहुत सारे सवाल फर्दर अभी पोएट्री में विटमैन जी करेंगे हमारे पैनिकर जी से। Now he asks questions. Why do your people get away when they meet your people, as if they are not your people? Do you prefer whites to blacks? शायद इंडियंस की एक ऐसे माइंडसेट की बात हो रही है जिसमें कि इंडियंस हमेशा सोचते हैं कि जो भी फॉरेन फॉरनर पीपल, फॉरेन फॉरेन गुड्स, वो सब कुछ बहुत अच्छे हैं, एंड वी आर डाउनट्रोडन पीपल। तो वो कह रहे हैं कि why do your people prefer white to black? Have you assigned for others the ironical humor in buying machinery here? यहाँ से क्या तुम टेक्नोलॉजी ले जाना चाहते हो? Talking all the while about the glorious heritage of your ancient past.
तो एक जगह तो तुम बात करते हो कि इंडिया का पास्ट बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोरियस है, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इंडिया में बहुत सारे सेंट्स हुए हैं, फिर व्हाई डू यू रन सो मच आफ्टर दी कल्चर ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश पीपल? डू यू हैव इन योर लैंड स्टिल दो सेजेस हु ईटिंग ओनली देयर साइलेंसेस काउंसिल देयर रूलर्स? तो तुम्हारी कंट्री तो इतनी फेमस है, इतने अच्छे अच्छे काउंसिलर मिले हैं आपके राजा को, जैसे कि अकबर को बीरबल और चाणक्य जैसे काउंसलर्स, तो इतने अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं जो कि अपने साइलेंस से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं अपने रूलर्स की, स्टिल आप लोग अमेरिका के पीछे इतना भागते हो, सारा ज्ञान, सारी पीस, सारी ट्रैंक्विलिटी सब तो है इंडिया में। हैव यू गॉन इन सर्च ऑफ हिमालय केव्स? अपने यहाँ के हिमालय देखे हैं आप लोगों ने? अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपनी अपने एंशियंट ट्रेंड्स को कभी सर्च किया है? फिर व्हाई आर यू कमिंग टू नाइग्रा? नाइग्रा जैसी जगह में आपको क्या मिलेगा? आपके पास तो हिमालय जैसा एक ग्रेट ग्रैंड माउंटेन है जहाँ की हिस्ट्री इतनी रिच है। एटम और आत्मन, आत्मन आप सब जानते हैं इंडियन वर्ड है, हिंदी वर्ड है, अपना आत्मचिंतन करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करके आप कितनी नॉलेज पा सकते हैं, एटम की क्या जरूरत है आपको? विच ऑफ दीज डू योर साइंटिस्ट स्ट्राइव आफ्टर? आजकल बहुत हर कंट्री भागती है ना कि वी नीड टू बी एटॉमिक पावर, उससे पहले जरूरी है कि हमारे पास पीस ऑफ माइंड हो जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। वी बोथ आर प्री ऑक्यूपाइड, यू एंड आई हैव नो टाइम टू थिंक ऑफ ऑल दीज, वी आर ट्राइंग टू गो फास्टर देन टाइम। तो वो कहते हैं कि मेरे और आपके जैसे लोग जो कि पोएट्स हैं, जो कि राइटर्स हैं, जो कि उस दुनिया में पीस लाना चाहते हैं, हम लोगों का इस एटम और आत्मन इन दोनों ही दुनिया में कोई काम नहीं है, और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ऐसी चीजों के बारे में सोचें। शायद हम लोग जो राइटर्स लोग हैं ये अपने वक्त से बहुत आगे चलते हैं हमेशा। अब वो कुछ अपने कंट्री के इमर्सन थॉरू, मार्टिन लूथर किंग, अगर आप ये सब नाम सुने होंगे और लिटरेचर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, ये सब नाम ट्रांसेंडेंटलिज्म से रिलेटेड है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक लिटरेरी मोमेंट जिसमें माना जाता है कि एवरीथिंग इज वन यूनिट, सब लोग जो हो एक ही यूनिट से बने, एक ही एटम से बने, एंड एवरी वन इज अ सिंगुलर यूनिट। उस नॉलेज को, उस थियरी को ट्रांसेंडेंटलिज्म बोला जाता है, जिसके बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स थे, इनमें से बहुत फेमस थे इमर्सन थॉरू और मार्टिन लूथर किंग। अब वो अपनी कंट्री के वैदिक कल्चर, इस थियरी को बेसिकली हम अमेरिका का वैदिक कल्चर मान सकते हैं। द ग्लो ऑफ द वैदिक कल्चर ऑफ ओल्ड इमर्सन थॉरू, मार्टिन लूथर किंग एंड आई हैव चेरिश्ड इट्स स्वीटनेस एंड काउंटलेस अदर्स। शायद इस दुनिया में शांति की बात की जा रही है, 1980s तक का ऐसा पीरियड था जब ये पोएट्री लिखी गई होगी, तब बहुत ज्यादा एटॉमिक बन रहा था पूरा वर्ल्ड, बहुत ज्यादा साइंटिफिक बन रहा था, हर कंट्री में एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन हो रहा था कि वी नीड टू बी द एटॉमिक पावर फर्स्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से सटायर किया जा रहा है कि क्या करोगे एटॉमिक पावर बन के, थिंक अबाउट ट्रैंक्विलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द अर्थ हियर स्पीक्स ऑफ द सेम थिंग टू अस, दोज हु हैव इयर्स डू नॉट लिसन। शायद ही हमारी अर्थ भी शांति ही चाहती है, हमारी पृथ्वी भी शांति ही चाहती है, लेकिन सुनते नहीं है ना आजकल के लोग, आजकल के साइंटिस्ट्स, आजकल के पॉलिटिशियंस, इन सबको प्रोग्रेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीइंग पावरफुल। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल विटमैन ने अपनी पोएट्रीज में किया, ग्रास, रिवर, हिल्स, क्लाउड्स, नेचर से रिलेटेड है ये सभी वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, वुड्स, क्लाउड्स, वुड्स, हिल्स, रिवर, ग्रासेस, हिल्स, क्लाउड्स एंड रिवर्स, वुड्स, ब्रिजेस, रेल्स, एयरपोर्ट्स, कार्स, फैक्ट्रीज एंड टेलीफोन्स। आप देख रहे हैं कैसे नेचर से रिलेटेड वर्ड से शुरू होते होते दुनिया टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड्स की तरफ बढ़ गई है। लेट अस वॉक अप टू दी पैसिफिक कोस्ट, लास्ट में वो कहते हैं Let us walk up to the Pacific coast. In the comparison of this part of the America, Atlantic coast के comparison में अगर हम लोग Pacific coast को देखें, तो we will find कि Pacific coast उस तरीके का एरिया है जिसको हम इंडिया का हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसा एरिया बोल सकते हैं, जहां पर कल्चर बहुत रिच और पीसफुल रहा है, जहां से बहुत सेंटली लोग आते हैं, और
ये एरियाज ऐसे एरिया हैं जहां पर बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुके हैं. दैट इज द रीजन ही सेज बाय द एंड कम लेट अस वॉक अप टू द पैसिफिक कोस्ट. वापस अपनी शांति की तरफ चलते हैं. कहां हम ग्रास रिवर से होते होते फैक्ट्रीज और टेलीफोन की तरफ आ गए हैं. तो बेसिकली सम ट्रेंक्वेलिटी सम पीस सम सेरेनिटी इज बींग लुक्ड आफ्टर इन दिस पोइट्री. So the basic theme of this poetry is to look for peace, to seek peace and tranquility rather than technological advancement and modernity. This is what the message of this poetry is. This is a very favorite poetry of the examiners. बहुत बार आती है आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस वीडियो को दो तीन बार देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाएगा. You may join the classes to cover all rest of the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for any admission query. Admission query अगर आप करना चाहते हैं हमारी academy में, तो you can click the link given in description. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.